अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे अपनी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के चैप्टर पे। और इसमें जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ कि हमने लास्ट लेक्चर में जो पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR पे बात की थी, इनकी कैलकुलेशन जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को, इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा, उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोस हों वो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसमें अब जो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से बात करेंगे कि जी पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन कैसे होगी या NPV को हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसकी, सबसे पहले आप इसके लिए डेटा लिखिएगा। हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उस पर बात करते हैं कि इसमें हमारे पास 5 ईयर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है ईयर्स, ईयर्स का कॉलम आएगा इसमें, ईयर्स के कॉलम के बाद। बेटा आप लोगों को ये ठीक विजिबल हो रहा है या इसमें कोई इशू आ रहा है? जी हमारे पास ये 5 ईयर्स आ गए और इनके साथ हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट एक्स है हमारे पास प्रोजेक्ट एक्स की हमारे पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट एक्स की, वो है ₹10,000 और इसको हमने विद इन द ब्रैकेट लिख लिया कि ये हमारे पास नेगेटिव जो है वो कैश फ्लो है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जी कासिम कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, वो मैं देख रहा था इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो मेरे पास ना थोड़ा सा ये फिगर्स उल्टी शो हो रही है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि फिगर्स आपको सही शो हो रही है ना? जी सर सही हो गया, बस फोकस थोड़ा सा कर रहा था तो उसकी वजह से ब्लर हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट वाई है, और इसमें हमारे पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी ₹10,000 है। तो हमने ये सबसे पहले एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ली है जिसमें हमने ये ज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई, और इन दोनों में जो है वो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो ₹10,000 है। अब हमने ये कहा था कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे 0 टाइम पीरियड पे, ये दोनों प्रोजेक्ट के लिए आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट कर। अब जब ये प्रोजेक्ट चलेंगे आगे तो ईयर 1 के एंड पे, ईयर 2 के एंड पे, 3, 4, 5 के एंड पे जो है वो आपको कैश फ्लोज मिलना शुरू होंगे। तो हम इनके कैश फ्लोज अज्यूम कर लेते हैं। प्रोजेक्ट एक्स के लिए जो हमारे पास कैश फ्लोज है, ईयर 1 में हमारे पास कैश फ्लो है 5,000, ईयर 2 में भी हमारे पास है 5,000, ईयर 3 में है हमारे पास 1,000, ईयर 4 में हमारे पास है 100, और ईयर 5 में भी हमारे पास 100। तो ये इसके 5 ईयर्स के कैश फ्लोज आ गए। इसी तरह से जो प्रोजेक्ट वाई है, इसके लिए हमारे पास जो कैश फ्लोज हैं वो ईयर 1 में 3,000 है, ईयर 2 में हमारे पास 4,000 है, ईयर 3 में जो है वो हमारे पास 3,000 है, ईयर 4 में जो है वो हमारे पास 4,000 है, और ईयर 5 में जो है वो हमारे पास 3,000 है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कैश फ्लो जो है वो आ गए। अब इसके लिए जो हमने फर्स्ट कैलकुलेशंस करनी है
वो हमने कैलकुलेशन ये करनी है कि जी हमारा जो है वो इसमें प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड जो है वो कितना है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक कॉलम आगे ऐड करेंगे जिसको हम कहेंगे एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो, हम कहेंगे एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो, एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो। हम ये देखेंगे कि हमारे पास इनका एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो जो है वो कितना बनता है। अब अगर हम सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट एक्स की, तो जब हम प्रोजेक्ट एक्स की पहले बात करेंगे तो प्रोजेक्ट एक्स में आप देखिए कि हमारे पास प्रोजेक्ट एक्स में जो है वो फर्स्ट ईयर में 5000 है, तो एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो कितना होगा फर्स्ट ईयर का, 5000 ही हो जाएगा। सेकंड ईयर में हमारे पास जो कैश फ्लो है वो भी 5000 है, तो आपके पास 5000 पहले है, 5000 न्यू कैश फ्लो आ गया, तो 5000 प्लस 5000 ये हमारे पास हो जाएगा 10000। थर्ड ईयर में जब आप जाएंगे तो 10000 पहले है एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो, 1000 फर्दर आया तो ये हमारे पास हो जाएगा थर्ड ईयर में 11000। जब आप फोर्थ ईयर में जाएंगे तो 11000 पहले है, 107 फर्दर आया है, तो ये 11100 हो जाएगा कैश फ्लो। और जब आप इसमें जाएंगे फिफ्थ ईयर में जो है, तो फिफ्थ ईयर में आपके पास 100 फर्दर आया, 11100 पहले से था, तो ये आपके पास 11200 जो है वो कैश फ्लो हो जाएगा। तो ये आपने इस तरह से देखा कि आपके पास फाइव ईयर्स में जो है ये एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो जो है वो आपने जनरेट कर दिया। ये क्लियर हो गया सबको, ये सिंपली हमने जो है वो हर ईयर के कैश फ्लो को ऐड करते गए तो हमारे पास जो है ये एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो जो है वो बन गया है कि ये हमारे पास हर ईयर में कैश फ्लो जो है वो कितना बनता है। ये क्लियर हो गया सबको? जी सर। ओके, अब आपने सिंपल इसमें, जी बेटा, अच्छा अब इसके बाद हमने क्या करना है, आपने सिंपल ये देखना है कि आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है 10000 प्रोजेक्ट एक्स की, ये किस ईयर में जाके एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो जो है वो आपका 10000 जो है वो बन रहा है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ईयर में 5000 है और सेकंड ईयर में जाके जो है वो हमारे पास जो अमाउंट बन रही है वो 10000 बन रही है। ये तो इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट का जो पे बैक पीरियड है, पे बैक पीरियड फॉर प्रोजेक्ट एक्स, ये हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास 2 ईयर्स हैं, कि 2 ईयर्स में जो है आपका कैश फ्लो जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाता है। क्योंकि इसमें हमने यही कहा था कि आप का पे बैक पीरियड का मतलब क्या है कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने ईयर्स में जाके कंप्लीट होती है, उसको जो है वो हम इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो पे बैक पीरियड कहते हैं। अब इसमें जो है हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास प्रोजेक्ट एक्स का जो पे बैक पीरियड है वो 2 ईयर्स है। जी ये क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। अब हम इसी तरह से फर्दर कैलकुलेशन करेंगे प्रोजेक्ट वाई के लिए। तो हम ये एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो को जो है हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो ये प्रोजेक्ट एक्स के लिए हमने किया था, अब हम प्रोजेक्ट वाई के लिए जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो के 2 कॉलम्स बना सकते हैं, पहले कॉलम में आप एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो प्रोजेक्ट एक्स लिख लें और न्यू कॉलम बना के आप इसके लिए जो है accumulated cash flows project Y लिखने। तो जब आप Y के लिए calculations करेंगे तो Y में आप देखते हैं हमारे पास जो है वो first year में जो cash flow है वो 3000 है, तो ये आपके पास accumulated cash flow जो है वो 3000 आ जाएगा। second year में देखें, second year में 4000 है cash flow, तो 3000 पहले है हमारे पास, 4000 new आ गया, तो ये हमारे पास 7000 जो है वो कैश फ्लो हो जाएगा। अच्छा उसके बाद जो है आप देखेंगे थर्ड ईयर में जाके कैश फ्लो जो है वो आपका हो गया है 10000,
क्योंकि 3000 न्यू आया, 7000 पहले से मौजूद है, तो ये आपके पास थर्ड ईयर में कैश फ्लो 10000 हो गया। जब आप फोर्थ ईयर में जाएंगे तो फोर्थ ईयर में जो है आपके पास जो कैश फ्लो है वो 4000 आ रहा है, तो ये आपके पास इन टोटल जो है वो 14000 हो जाएगा, 14000 हो जाएगा। इसी तरह से जब आप फिफ्थ ईयर का कैश फ्लो ऐड करेंगे तो वो आपके पास 3000 है, तो 14000 में जब 3000 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 17000। अब आप ये देखेंगे कि इसमें आपका जो 10000 है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये 10000 किस ईयर में जाके जब वो कंप्लीट हो रहा है, किस ईयर में कंप्लीट हो रहा है हमारे पास, थर्ड ईयर में जाके, थर्ड ईयर में। तो यहाँ पे जो हमारे पास पे बैक पीरियड होगा वो आ जाएगा 3 ईयर। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि हमारे पास हमने दोनों प्रोजेक्ट के लिए जो है वो जो पे बैक पीरियड था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें हमने डिसीजन करना है, क्योंकि फिर सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करनी इसमें, बल्कि जो है वो हमने डिसीजन भी करना है। अब इसमें आप ये एक स्टेटमेंट साथ लिख लें, द ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम पे बैक पीरियड इज, सॉरी मैक्सिमम, द ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम पे बैक पीरियड इज 3.5 years। ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम पे बैक पीरियड इज 3.5 years। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया हुआ है कि इनका जो भी प्रोजेक्ट होगा ये इसका उसका जो मैक्सिमम पे बैक पीरियड हो सकता है वो 3.5 years तक हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या इंडिविजुअली ये दोनों प्रोजेक्ट्स हमारे लिए एक्सेप्टेबल हैं या नहीं। तो अगर सबसे पहले हम प्रोजेक्ट एक्स की बात करें तो प्रोजेक्ट एक्स एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसका पे बैक पीरियड मैक्सिमम पे बैक पीरियड से कम है। मतलब इसमें अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो हमने उसके लिए जो कंडीशन लगाई थी, हम ये कहा था प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड should be less than the maximum payback period। हमने जो first condition लगाई थी वो first condition हम ये लगाई थी कि ये आपका project का payback period है, project payback period should be less than the maximum payback period। और अब अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास प्रोजेक्ट एक्स के लिए पे बैक पीरियड कितना है, 2 ईयर्स। प्रोजेक्ट एक्स का पे बैक पीरियड कितना है, 2 ईयर्स, विच इज लेस देन 3.5 ईयर्स। 2 ईयर्स इज लेस देन 3.5 ईयर्स, तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट एक्स को भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर हम प्रोजेक्ट वाई की बात करें तो प्रोजेक्ट वाई के लिए जो है वो पे बैक पीरियड कितना आया हमारे पास, 3 ईयर्स आया है। 3 ईयर इज लेस देन 3.5 ईयर्स, तो हम इसको भी जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वैसे देखा जाए तो दोनों प्रोजेक्ट हमारे एक्सेप्टेबल हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स में ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अब दोनों में से हमने किसी एक प्रोजेक्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपका सेकेंड डिसीजन आएगा कि जब हमने ये देख लिया कि ये दोनों प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो सकते हैं, तब हम ये देखेंगे इन दोनों प्रोजेक्ट में से ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो आपके पास कौन सा प्रोजेक्ट है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोजेक्ट एक्स का पे बैक पीरियड जो है वो 2 ईयर्स आया हुआ है, प्रोजेक्ट वाई के लिए हमारे पास पे बैक पीरियड जो है वो 3 ईयर्स आया हुआ है। तो पे बैक पीरियड के लिए हमने क्या कहा था कि पे बैक पीरियड जितना कम होगा बेहतर है या जितना ज्यादा होगा बेहतर है? जितनी जल्दी हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए उतना हमारे लिए बेहतर है या जितनी लेट वापस आए उतना बेहतर है? जितना कम होगा उतना बेहतर। जितना कम होगा, बिल्कुल। हमने कहा था कि जितनी जल्दी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास वापस आ जाएगी
उतना जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो प्रोजेक्ट बेनिफिशियल होगा। तो सेकंड डिसीजन में हमने ये कहा हुआ है कि द प्रोजेक्ट विद मिनिमम पेबैक पीरियड वुड बी एक्सेप्टेड। तो सेकंड डिसीजन है कि जब आपने ये देखना है कि दोनों में से किसको एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए हमारा डिसीजन ये है द प्रोजेक्ट विद मिनिमम पेबैक पीरियड वुड बी एक्सेप्टेड। तो मिनिमम पेबैक पीरियड किसका है, प्रोजेक्ट एक्स का या वाई का? प्रोजेक्ट एक्स का, सर एक्स का था, 2 साल का जी, 2 ईयर्स है। हम इसमें करें, आप इसमें डिसीजन लिखेंगे द प्रोजेक्ट एक्स वुड बी एक्सेप्टेड, द प्रोजेक्ट एक्स वुड बी एक्सेप्टेड, द प्रोजेक्ट एक्स वुड बी एक्सेप्टेड एज its payback period, as its payback period is less than 2 years of project Y। हम यहां पे लिखेंगे, आप इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं, project X payback period is less than प्रोजेक्ट बाय पेबैक पीरियड। तो इस वजह से हम यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्स को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। जी ये क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा अब अगर इसी एग्जांपल को, जी बेटा यहाँ पे अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा। Like, अब अगर हम जो है वो इसमें इन कैश फ्लोज में थोड़ी सी चेंजिंग कर लें इस चीज को देखने के लिए कि जैसे अभी तो हमारे पास एक ईयर के अंदर पूरा पूरा कैश फ्लो आ गया था, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी पूरी पूरी आ गई थी हमारे पास, लेकिन इस चीज के भी तो चांसेस हैं कि किसी एक ईयर में आपका कैश जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है वो पूरा नहीं बन रहा हो, वो किसी 2 ईयर्स के दरमियान में आ रहा हो तो क्या होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये सपोज कर लूँ कि मेरे पास जो है फर्स्ट ईयर में, आप ये कैश फ्लो देखिएगा, फर्स्ट ईयर में आपके पास कैश फ्लो यही है 5000, सेकंड ईयर में जो कैश फ्लो है आपके पास वो है 3000, थर्ड ईयर में कैश फ्लो है आपके पास 4000 और बाकी कैश फ्लो हम सेम रख लेते हैं। तो ये जो है वो हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास जो है वो कैश फ्लोज है। अब जब आप इसको जो है इसका आप एक्युमुलेटिव कैश फ्लो बनाएंगे, एक्युमुलेटिव कैश फ्लो, एक्युमुलेटिव कैश फ्लो में जो है अब क्या होगा, अब आपके पास फर्स्ट ईयर में आ गया 5000, सेकेंड ईयर में जब ऐड किया तो वो आपका 3000 ऐड हो गया, वो आ गया 8000, फोर्थ ईयर थर्ड ईयर का ऐड किया तो 4000 वो आ गया 12000, आगे फोर्थ ईयर का 100 ऐड किया तो वो 12100 हो गया, और फिफ्थ ईयर का भी जब आपने ऐड किया 100 तो 12200 हो गया। अब ये हमारे पास कैश फ्लोज आ रहे हैं। अब इसमें देखें कि आपके पास जो सेकेंड ईयर है उसमें जो है वो 8000 है कैश फ्लो क्यूमुलेटिव, और जो थर्ड ईयर है उसमें 12000 है, तो ये जो सेकंड ईयर है उसमें कैश फ्लो थोड़ा सा कम है जबकि आपके पास जो थर्ड ईयर है उसमें कैश फ्लो थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पे बैक पीरियड है वो इन दोनों के कहीं दरमियान में जो है वो फॉल कर रहा है। हमारा जो पे बैक पीरियड है वो सेकेंड और थर्ड ईयर के दरमियान में है, इसका मतलब है 2 point something जो है वो आएगा हमारे पास, लेकिन वो कितना आएगा वो हमें एग्जैक्टली जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये इस तरह की भी सिचुएशन जो है वो हमारे पास हो सकती है। अब इस तरह की सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे अब आपको कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे पे बैक पीरियड, इसको लिखने के बाद
अब आपने ये देखना है कि आपको कैश फ्लो कितना रिक्वायर्ड था, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 10,000, तो आप यहाँ पे पहले लिखें जी 10,000 माइनस, अब ये जो हमने 2 years लगाए हैं इनको हम कह सकते हैं कि ये हमारा मिनिमम पे बैक पीरियड है, क्योंकि कम से कम 2 years हो सकता है, और ये हमारा मैक्सिमम पे बैक पीरियड है जो ज्यादा से ज्यादा हमारा 3 years हो सकता है। ये जस्ट हम थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने लिख लिया, राइट, मींस कम से कम 2 years है, ज्यादा से ज्यादा 3 years है। तो अब आप ये देखें कि जो आपका मिनिमम पे बैक पीरियड है 2 years वाला, इसमें आप देखेंगे इसमें अभी तक आपका कितना कैश फ्लो हो चुका हुआ है, कितना हो गया हुआ है हमारा 8,000, तो आप यहाँ पे 10,000 में से माइनस करते हैं 8,000। सिंपली हमने ये देखा है कि हमें 3rd year में से कितना कैश फ्लो जो है वो रिक्वायर्ड है, और इसको आप डिवाइड कर देंगे जो मैक्सिमम पे बैक पीरियड का कैश फ्लो है 4,000, और यहां पे आप कर देंगे जी 2+। अब हमने ये फर्स्ट चीज क्या लिखी है 2, ये हमने लिखा है मिनिमम पे बैक पीरियड, कि ये हमारा मिनिमम पे बैक पीरियड कितना है 2, इसमें हमने प्लस करना है जो इस सारे का आंसर होगा। ये हमने क्या कहा, ये हमने कहा जी 10,000 हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी माइनस इस जो आपने ये यहाँ पे लिखा है मिनिमम पे बैक पीरियड, उसमें एक्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना हो चुका हुआ है 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो ये आपके पास बनेगा जी 2+, ये इनका डिफरेंस आ जाएगा 2,000 डिवाइडेड बाय 4,000। ये सिंपली देखिए ये बन क्या रहा है, आपने ये देखना है कि जो आपने ईयर लिखा था 2, उसके बाद आपको फर्दर कितना कैश रिक्वायर्ड है इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल करने के लिए। हमारे पास 8,000 हो चुका हुआ है सेकंड ईयर में, 10,000 टोटल रिक्वायर्ड है, उनका डिफरेंस ले लिया आपने, वो 2,000 आ गया, और ये 2,000 कहाँ से आएगा, ये वाला 2,000 हमारे पास कहाँ से आएगा, ये इस कैश फ्लो में से आएगा जो मैक्सिमम पे बैक पीरियड है। अब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लें, टू प्लस, जब आप 2,000 को 4,000 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.50 आ जाएगा, और ये आपके पास पे बैक पीरियड आ जाएगा 2.50। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये आपका जो पे बैक पीरियड है वो 2.50 ईयर्स है। ये क्लियर हो गया जी? जी सर।